आकाश जी, क्या नया लाए हो इस बार आप? इस बार क्या? अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए मैं एक नया मॉडल लाया हूँ। उसका नाम रखा है हमने रंगबाज, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा, कैसा नहीं, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा जो स्पेशली हमसे प्रोडक्ट परचेस करते रहते हैं, हमारी वीडियो शेयर करते रहते हैं, इवन कभी कभी तो पैसे नहीं भी होते और रुक के भी लेते, तो लेना है तो कहते टिंकू भैया आप ही से लेना है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ उन आर्मी मेंस को कहना चाहूंगा जिन्होंने हमें ऑर्डर दिए, रिपीटिव ऑर्डर दिए, और बाकी जो कस्टमर जो हमें रिपीट ऑर्डर देते रहते हैं। तो फिलहाल देखिए, दिवाली के उपलक्ष्य में एक नया मॉडल लॉन्च किया है, इसका नाम हमने रखा है रंगबाज, ताकि अगर आपके घर में खुशियों का त्यौहार बन सके, आप इंजॉय कर सके, नया साल होली हो जाए जैसे भी हो, आप इंजॉय कर पाए। और कई बार आप बोलते हैं कि टिंकू भैया मेरा जो रूम है वो छोटा है, मैं बड़ा स्पीकर ले नहीं सकता, आप सिंगल पे आप हो सके तो आप प्रोवाइड कराइए, तो ज्यादातर हम ट्रॉली स्पीकर भी रिकमेंड कर देते थे। तो इस बार हमने पावर स्पीकर वाला, मतलब पावर बेस्ड एसी बेस्ड स्पीकर लॉन्च किया है। और लुक देखिए, इसकी लाइटिंग देखिए कितनी प्यारी है, मस्त है, बाकी चीज काफी गजब की है। बाकी हम फीचर्स की अगर हम बात कर लें कि इसमें जो फीचर्स है, आप ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको पेन ड्राइव के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, और ऑक्स के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कैमरामैन को मैं कहूंगा थोड़ा सा आगे आए और थोड़ा बहुत मैं प्रोडक्ट की एसेसरीज वगैरह बता दूं। एसेसरीज तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसके साथ आपको इस प्रकार का एक रिमोट कंट्रोल मिलता है, लुक में काफी प्यारा है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, मेक इन इंडिया का है, हम इंडियंस कम नहीं है, हो सके तो इंडियंस को सपोर्ट जरूर करो, अच्छे प्रोडक्ट बनाने में कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने कारीगर्स को जो भी आप पे काम कर रहे हैं, आई मीन टू से जो सुपरवाइजर है, जो उस पर ध्यान दे रहा है प्रोडक्शन पे, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा, पूरी टीम को धन्यवाद कहूंगा, उन्होंने एक प्यारा सा प्रोडक्ट बनाने में मेरी हेल्प करी है। तो फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें इस प्रकार का एक रिमोट कंट्रोल आता है, ये है पावर ऑन ऑफ का बटन, ये वॉल्यूम का बटन है, ये मोड बटन है, ये रिपीट का बटन है, और बाकी चीज काफी मस्त है। तो बाकी ये देखिए, इसमें जो ड्राइवर लगे हुए हैं ना, वो 10-10 इंच के दो लगे हुए हैं, और दो वूफर भी जो लगे हैं वो पावरफुल वूफर लगे हैं, ताकि आप पार्टी बनाए तो आप इंजॉय कर सके फैमिली सर्कल में, और चीज काफी मस्त भी लगे। और ऊपर ये 4-4 इंच के दो ड्राइवर दिए हुए हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो इसके जो डिस्प्ले का जो साइज है, थोड़ा इसको हमने बड़ा रखा है, डीजे स्टोन वालों ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, और ये कहीं से भी लग नहीं रहा कि मतलब कि इंडियन है, बाकी ये जस्ट लाइक अ लुक लाइक इम्पोर्टेड सेट लग रहा है, बट ये बना इंडिया में है। और इसकी देखिए फिनिशिंग, देखिए कैमरा मैन थोड़ी सी फिनिशिंग दिखाई है, आप कैसी लगी, कैसी नहीं जरूर बताइएगा। और फिनिशिंग काफी प्यारी है। और ये देखिए, ये स्लाइडर्स हैं, ये वॉल्यूम का है, ये ट्रेबल का है, ये बेस का है, यहाँ पे अलग से अगर आप माइक लगाना चाहें तो माइक लगा सकते हैं, ये ऑक्स का है, यहाँ पे आप अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हैं, ये मोड बटन का, ये नेक्स्ट का है। और एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड, मैं बैक साइड से भी थोड़ा सा दिखा दूं, ये देखिए इसमें जो हीट सिंक है वो अभी हमने काफी हैवी लगाई है, और इसको पकड़िएगा मत, क्योंकि ये नॉर्मली क्या है कि अंदर की जो आईसीएम को ठंडा रखने के लिए है। तो यहाँ पे आप ध्यान से दिखाइए, यहाँ पे दो बटन भी दिए हुए हैं, एक एलईडी का बटन है, एक पावर ऑन ऑफ का बटन है। तो चीज काफी मस्त है, लाइटिंग में काफी अच्छी है। और आज हम एक काम करेंगे, ऑडियो टेस्ट करेंगे, और थोड़ा बहुत मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आप बताइए फ्रेंड, ये आपको लाइटिंग कैसे लगी, कैसी नहीं लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक बात बताइए विकास जी, क्या हम इसकी लाइटिंग चेंज भी कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन पूछ ही लिया तो जवाब देना बनता ही है, क्योंकि आप सब बोलते भी टिंकू भी रंग बिरंगी लाइट लाइए, थोड़ा चेंज लाइए, तो इस बार हमने पूरी कोशिश करी है कि लाइटिंग भी चेंज की जा सके। अब लाइटिंग चेंज करने के लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, कैमरा मैन थोड़े से आगे आइएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आरपीटी, क्या लिखा हुआ है, आरपीटी, आरपीटी को बस लॉन्ग प्रेस करना है, ये देखिए चेंज होगी, पहले मूव हो रही थी, मैं दोबारा बटन दबाऊंगा आरपीटी का, चेंज होगी, पूरी ग्रीन हो गई, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा सेट लग रहा है, आप खुद बताइएगा। मैं एक बार बटन दूर जरूर बता दबाता हूँ, देखिए अभी ब्लू हो गया, अब रेड हो गया, ये देखिए चेंज पे चेंज हो रहा है, मस्त लग रहा है, दिल खुश हो रहा है, आत्मा तृप्त हो रही है। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके कोई बच्चों को कलर पसंद आ रहा है कि भाई इस मोड में रखना है, तो अपने बच्चों के अनुसार भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट तो अपने बच्चों के लिए भी लोग लेते हैं ना, खुशियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए फ्री टाइम में अच्छा सा इंजॉय कर सके। तो बाकी एक काम करेंगे, ट्रैक पे हम चलाएंगे, डायमेंशन अपनी कोशिश करेंगे, एक बटन और दबा देता हूँ, ये देखिए अब मूव होने लग गया, ये देखिए ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। बाकी हर एक की अपनी चॉइस होती है, तो एक काम करते हैं, मैंने आपको एक्सेसरीज बता दिया कि भाई इसमें एक रिमोट कंट्रोल आता है, और एक ये टावर स्पीकर आता है, इसे हम कहते हैं स्टैंड अलोन टावर स्पीकर, अकेला ही सब पे भारी वो वाला टावर स्पीकर है। तो इस पे हम इसको
ये देखिए लंबाई देखते हैं, चलिए डायमेंशन वगैरह। फ्रेंड अगर इसमें ध्यान से देखें इसकी जो लंबाई है ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 87.5 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसको मैसे कर लेते हैं 30.5 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें 34.8 सेंटीमीटर के आसपास, तो आपको आइडिया लग गया। और फ्रेंड एक चीज बताइए, मैंने जो साइड में हैंडल लगाया उठाना करना मुश्किल ना हो, ये देखिए थोड़ा भारी है वैसे वेट में, कैसा लगा कैसा नहीं जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश पूरी रह रही है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट दिया जाए अच्छा दिया जाए, बेस भी अच्छा मिले, परिवार साथ एंजॉय भी कर सके, और पड़ोसी भी पूछे भैया कहां से लाए, तो आप बताना जरूर। टिंकू भैया से लिया था डीजे स्टोन का मॉडल रंगबाज, इसका नाम है रंगबाज, लुक भी बड़ी प्यारी है, आवाज भी काफी निराली है। तो मैंने डायमेंशन आपके दिखा दिए, पीछे का हीट सिंक वगैरह दिखा दिया, हैंडल दिखा दिया, क्या क्या चलता है क्या क्या नहीं वो सब दिखाया, लाइटिंग का मोड बताया कैसे चेंज करने हैं, उससे संबंधित जानकारी देने की मैंने कोशिश करी। तो एक आपके लिए ट्रैक चलाता हूं, मैंने ऑलरेडी एक ट्रैक डाला हुआ है, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि भाई रूम की लाइट ऑफ करके देख लेंगे, रूम की लाइट ऑफ करने के बाद माइक का ऑन ऑफ करना भी हम सिखा दूंगा मैं आपको। तो फिलहाल जो पेन ड्राइव है आप इसको पेन ड्राइव को यहाँ लगा सकते हैं पेन ड्राइव के स्लॉट में, ये देखिएगा यूएसबी ड्राइवर माउंट मस्त है। फ्रेंड प्रोडक्ट कैसा लगा कैसा नहीं आप जरूर बताइएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भैया कि इसमें माइक का एक स्लॉट दिया हुआ है तो आप माइक भी टेस्ट करके दिखाइए। तो देखो आप सबका समय बर्बाद ना हो मैं आपको माइक भी चला के दिखा रहा हूं, साथ में माइक आता नहीं है मैं पहले बता दूं, ये टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता कि माइक कल को लगाना हो तो आप यूज कर पाए। बाकी देखिए सिंपल सा हम इसमें माइक चलाएंगे। ये फ्रेंड ये देखिए जब भी आपको माइक चलाना हो ना एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें पहले मैं आपको माइक ऑन ऑफ करना सिखा रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट होता है ऑफ भी हो जाए, कभी कभी पूछते हो टिंकू भैया माइक तो चल नहीं रहा क्या करूं क्या नहीं, ऐसी परेशानी ना हो पहले हम वीडियो में बता देते हैं ना। ये देखिए फ्रेंड इसमें मोड बटन होता है, ये देखिए MODE मोड, और आपने जाना है लॉन्ग प्रेस कर देना है, ठीक है। बाकी एक काम करते हैं ना स्लाइडर्स में इसको ऑफ कर देता हूं। तो यहां इस मोड को लॉन्ग प्रेस करने से होता क्या है कि आप इसका माइक ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी बटन दबा रहा हूं मोड को, ये देखिए माइक ऑन, देखिए सिस्टम ने भी बोला ना माइक ऑन। अब समझ आया कि कभी ऑफ हो जाता रिमोट मोड बटन दबा के भी आप लॉन्ग प्रेस करके भी माइक ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चलिए लगाते हैं माइक के पोर्ट पे, हेलो इसको यहां से ऑन भी कर लेते हैं। हेलो हेलो, ये देखिए माइक की आवाज फट नहीं रही, साउंड क्लियर है, आप अपने अनुसार माइक लगाना चाहें तो माइक लगा सकते हैं, आवाज क्लियर है साफ सुथरी है, सिंगिंग करो जैसे करो आपके ऊपर है। तो मैंने माइक टच करके दिखाना था वो आपको दिखाया, तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा कैसा नहीं। और आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा टिंकू भैया इसका माइक का वॉल्यूम कैसे एडजस्ट करेंगे, इको कैसे एडजस्ट करेंगे, चलिए ना टिंकू भाई की वीडियो देख रहा हूं पूरी डिटेल बताऊंगा। तो मैंने ये हटा लिया और कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा आगे है। देखिए फ्रेंड इसमें ना मैं नीचे बैठ जाता हूं थोड़ा सा, यहां लिखा हुआ EQ, क्या लिखा हुआ है EQ, यहां बटन दबाएंगे, ये देखिए ये आ गया 999, ठीक है ये बेस और ट्रेबल, अब ये इको आ रहा है, ठीक है इको मैंने जीरो किया हुआ था। ये माइक का वॉल्यूम है, यहाँ का माइक का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं ऐसे लॉन्ग प्रेस करके। अगर मैं EQ में जाऊंगा ये देखिए
ये बेस को दिखा रहा है, ये ट्रेबल को दिखा रहा है, बेस और ट्रेबल आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और ये इको यहां से बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, तो यहां से हम बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई, ईक्यू बटन दबा के आप सिस्टम का बेस, सिस्टम का ट्रेबल, माइक का इको, माइक का वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने वीडियो के तहत आपके लिए कोशिश करी प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए, मैंने लाइटिंग ऑन ऑफ करके देखा, मोड मोड बटन वगैरह बताया, रिमोट के बारे में बताया, और माइक टच करके बताया आपको कैसा लगा कैसा नहीं, अपना फीडबैक जरूर डालिएगा, और कोशिश रहती है कि आप सबके लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाए, अच्छे से प्रोडक्ट्स पे काम किया जाए। बाकी प्रोडक्ट की थिकनेस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो अब की बार मौका देना टिंकू भैया को, दिल्ली वाले टिंकू भैया, वेस्ट दिल्ली सुभाष नगर वाले टिंकू भाई, अगर आपको आके ले जाना हो तो आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हो कि टिंकू भैया मेरे को स्पीकर लेना है, आप आकर भी लेके जा सकते हैं, आवाज सुन लीजिएगा, नहीं तो बाकी मैं ऑल ओवर इंडिया तो सामान भेजता ही हूँ। बाकी रहा सवाल पेमेंट मेथड्स का, जैसे अगर आपको लेना है तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, आमतौर पे हम 10% एडवांस लेते हैं, बाकी 90% डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी बॉय कैश लेता है। और कभी आप पूछते हो कि टिंकू भैया 10% एडवांस क्यों ले रहे हो, देखो भैया बड़ा सामान भेज रहा हूँ, कोई छोटा सामान तो दे नहीं रहा, तो भाई हमें भी एक कंफर्मेशन चाहिए ना कि आप एट दी टाइम डिलीवरी आप पे कर देंगे, इसलिए थोड़ा बहुत, चाहे दिल्ली का भी ऑर्डर होता है ना, हम भी 10% एडवांस लेके चलते ही चलते हैं, ओनली 10% एडवांस, बाकी नहीं मेरी डिलीवरी के टाइम पे। पेमेंट मोड में आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम या फिर स्कैन वगैरह भी कर सकते हैं, मेथड कभी है, काफी सारे हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करिए आपके लिए अच्छा सा रिव्यू करने के लिए, आप बताना आपको प्रोडक्ट लगा कैसा नहीं, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है, यानी कि इसका जो फाइनल फिनिशिंग जो हुई है वो भारतवर्ष में हुई है, तो इंडियंस को सपोर्ट जरूर करिए, जरूरी नहीं है कि हमें इंटरनेशनल साइट्स में जाना है, डोमेस्टिक अच्छी साइट्स है उनको सपोर्ट करिए, डोमेस्टिक सेलर्स को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।